का जो इसमें जो स्वरूप है उसमें इसकी स्थिति सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। पंडित जी, जैसे आपने बताया गृह स्वामी के बारे में, कहाँ गृह स्वामी का कक्ष होना चाहिए, घर में जो बाकी सदस्य होते हैं क्या उनके लिए भी वास्तु के अनुरूप कुछ दिशाएं निर्धारित की गई है उनके कक्ष के लिए? जी, उनके लिए भी है, सबके लिए अलग अलग है। मंदिर का भी स्थान है, छोटे बच्चों का भी स्थान है, जो क्वारी जो लड़कियां होती हैं, अनमैरिड जो लड़कियां हैं उनका भी अलग स्थान है, सेवकों का भी अलग स्थान है। तो भूखंड के अंदर, भवन के अंदर हर एक व्यक्ति वो उनका जो स्तर है और उनके सबके अलग अलग स्थान हमारे वास्तु विज्ञान के अंदर दिए हुए हैं। जी पंडित जी, पलंग की अगर बात की जाए तो पलंग की दिशा क्या होनी चाहिए घर के अंदर? देखिए, पलंग का जो स्थान शयन कक्ष में, पलंग सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। पलंग हमेशा जो रखें उसको साउथ या वेस्ट कॉर्नर में, यानी कि दक्षिण या पश्चिम, या उसको नेत्रत में भी रखते हैं, साउथ वेस्ट के मध्य भाग में रख सकते हैं। पलंग की जो स्थिति है, पलंग बिल्कुल दीवार से सटा हुआ हो जो उसका सिरहाना है, और दोनों उसके जो दोनों भाग हैं वो खाली हों, दोनों ओर का जो स्थान है वो खाली होना चाहिए, तो ये पलंग की स्थिति है। जी जी पंडित जी, इसके अलावा भी पलंग किसी भी कक्ष में लगाते समय, रखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो पलंग है आपका, वो दीवार से उसका जो सिरहाना है दीवार से सटा हुआ हो, दोनों जगह खाली हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पलंग की अगर हम स्थिति को लें तो जो पलंग है आपका वो उत्तम कास्ट का बना हुआ हो, लोहे का ना हो। अब संभवतः उसको ध्यान रखें कि लोहे का ना लें, लोहा जो वस्तु है उस पर सोने से वो नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो हमारे शास्त्रों में कास्ट का जो पलंग है वो सोने के लिए उत्तम बताया है। पंडित जी, इसकी साज सज्जा को लेकर क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पलंग का जो साज सज्जा है उसके ऊपर सबसे पहले तो पलंग का ही स्वरूप ले लें। हमारे शास्त्रों में पलंग का जो नीचे वाला स्थान है बिल्कुल साफ शुद्ध होना चाहिए, उसके नीचे कोई अनावश्यक वस्तुएं, टूटी फूटी वस्तुएं ना हो, कोई झाड़ू ना हो, इस तरह की जो लोहे के जो सामान है वो ना हो। आजकल स्थान अभाव के कारण बॉक्स वाले जो पलंग हैं उनका एक प्रचलन हो गया है, तो वो स्थान अभाव का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसके अंदर, तो उसको क्या रखना चाहिए, उसके अंदर वस्त्र रख सकते हैं, बिछौने रख सकते हैं, आप चादरें रख सकते हैं, जो प्रयोग किए जाने वाले जो वस्त्र हैं वही पलंग के अंदर बॉक्स के अंदर रखने चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, और भी जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक विद्या जुड़ गई हैं गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है विद्या आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं ये पंडित जी से ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपना नया घर बनवा रही हूँ, और मुझे ये जानना है कि जो मेरा शयन कक्ष होना चाहिए वो किस दिशा में मैं बनवाऊँ जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। जी, आपका जो शयन कक्ष होना चाहिए दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में, और जो अनमैरिड लड़की है उनका जो शयन कक्ष होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट, यानी कि वायव कोण में हो, तो उनका जल्दी विवाह के लिए वो एक कारक होता है, तो उनका जल्दी विवाह हो जाता है। जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको दक्षिण या पश्चिम में जो अपना शयन कक्ष बनाना चाहिए। जी चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आपने पलंग के बारे में काफी कुछ बताया, वहीं अगर हम दूसरे फर्नीचर्स के बारे में बात करें, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या फिर सोफा हो, वो कहाँ पर होना चाहिए भवन के अंदर? देखिए, उनका अलग अलग स्थान है। यहाँ पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल शयन कक्ष के बारे में कर रहे हैं, तो डाइनिंग जो टेबल है वो उसके लिए अलग स्थान होता है हमारे यहाँ पर, तो वो हम जो उसको अभी केंद्र बिंदु बनाया हमने वो शयन कक्ष, उसके आंतरिक भाग, उसकी साज सज्जा, उसमें क्या होना चाहिए, क्या विषय वस्तु नहीं होनी चाहिए, तो हम उनको ही अभिप्राय हमारा कि उसको ही हम इसके अंदर लें। तो इसमें सबसे जो मुख्य स्थान है कि वो पलंग का है, तो पलंग पे भी देखें कि यदि पति पत्नी उस पे सोते हैं, पलंग है उसके अंदर, तो उस पे देखें कि वस्त्र कैसे हों। वस्त्रों का स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात्रि विश्राम का जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा और शुक्र, शुक्र पत्नी का कारक ग्रह होता है, चंद्रमा मन की शांति, मन का कारक ग्रह होता है, तो ये ध्यान रखें कि रात्रि में चंद्रमा और शुक्र प्रबल रहे, उनको कोई दोष ना हो, तो जिससे पति पत्नी दोनों सौहार्द और आनंद से उसमें अपना रात्रि का विश्राम कर सकें, उनको तनाव ना हो, जो अगला दिन हो उनका वो शुभ हो, उनको आनंददायक हो, तो ऐसी स्थिति हम उसमें बनाएं कि शयन कक्ष की जो वो एक तरह से
आनंददायक स्थिति हो, उसमें उत्साहजनक स्थिति हो। जी पंडित जी, किस अवस्था में सोना चाहिए हस्बैंड वाइफ को? देखिए, अवस्था में कोई भी अगर पलंग के ऊपर सोता है, हमेशा उसका जो सिर है दक्षिण में या पश्चिम में, उसके जो पैर हो हमेशा उत्तर की ओर हो या पूर्व दिशा की ओर हो, कभी भी पैर दक्षिण दिशा की ओर नहीं रखने चाहिए। दक्षिण दिशा में रखे गए जो पैर होते हैं वो रोग कारक होते हैं, मानसिक अवसाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वो मानसिक और शारीरिक रोग की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे ही पैर कभी भी पश्चिम दिशा में भी रखने चाहिए। पश्चिम दिशा में रखे गए पांव ऋण की उत्पत्ति करते हैं। नेतृत्व दिशा यानी कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, दक्षिण और पश्चिम का मध्य भाग, उसमें अगर पैर करके सोखते हैं तो ऐसे व्यक्ति हमेशा किसी गुप्त चिंताओं से घिरे रहते हैं, गुप्त शत्रुओं की उत्पत्ति होती है, उनके यहाँ चोरियां भी बहुत होती हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि जो आपके पांव की और सिर की स्थिति है बिल्कुल वास्तु विज्ञान के अनुकूल हो, तो उससे क्या होगा कि वो जीवन आपका जो आनंद में रहेगा। जी पंडित जी, बच्चे किस दिशा में सोए? देखिए, बच्चा अगर वो छोटा है तो हमारे शास्त्र में जो छोटा बच्चा है, जो दूध पीने वाला बच्चा है, उसको मध्य भाग, हमारे यहाँ क्या है कि पति पत्नी उसको अपने मध्य भाग में सुलाएं तो दोनों का परस्पर उसके स्नेह बनता है। जब बड़ा होता है तो उनका दोनों माता पिता से समान समभाव उसका स्नेह होता है, सौहार्द रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पत्नी अपनी साइड में एक बच्चे को लेकर सोती है, पति अलग होते हैं, तो ऐसी स्थिति हमारे वास्तु विज्ञान में उसको खराब बताई है। बच्चे का जो स्थान है वो पति पत्नी के मध्य है, अगर वो बहुत छोटा बच्चा है, और बड़े बच्चे होते हैं तो उनका एक अलग शयन कक्ष होता है, बच्चों का कक्ष होता है, उसका वर्णन अगले उसमें करेंगे। तो बच्चे की जो स्थिति है वो मध्य भाग में होनी चाहिए। जी बिल्कुल पंडित जी, इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं शोभा गाजीबाद से। बहुत बहुत स्वागत है शोभा आपका इस कार्यक्रम में। पंडित जी हेलो। जी जी हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं घर बनवा रही हूँ तो उसमें किस किस तरह के किस तरह से मैं साज सज्जा कर सकती हूँ जो वास्तु के लिहाज से अच्छा हो? देखिए, घर का तो बहुत लंबा चौड़ा विषय हो गया। अभी हमारा जो जो प्रोग्राम चल रहा है वो शयन कक्ष, जो भूमि स्वामी का जो शयन कक्ष है, उसकी हम साज सज्जा की बात करें। अगर भवन की साज सज्जा करें तो बहुत विषय लंबा चौड़ा हो जाएगा ये, तो अभी अच्छा होगा कि आप शयन कक्ष कैसा हो जी, तो उसको ही केंद्र बिंदु करें आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी, साज सज्जा की हम बात कर रहे हैं, शयन कक्ष में और क्या कुछ चीजें लगाई जा सकती हैं ताकि पॉजिटिव एनर्जी आए? देखिए, शयन कक्ष के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग लगा सकते हैं। वहां पर कुछ सेलेस्टिक पशु पक्षियों के जो चित्र या उनकी प्रतीक प्रतिमाएं होती हैं वो लगा सकते हैं। सेलेस्टिक जो सौभाग्यशाली फूल पौधे हैं या कृत्रिम जो फूल पौधे हैं, ऑर्किड हैं, उनके आप प्रतीक लगा सकते हैं, उनको आप रख सकते हैं। साज सज्जा के लिए चित्र भी होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो चित्र हैं वो भी आप लगा सकते हैं। उसमें इसमें आगे वर्णन करेंगे कौन से जो चित्र हैं वो लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, तो ये बहुत बड़ा विषय है इसके अंदर। तो साज सज्जा में अगर हम लें तो उसके अंदर उसको पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे विंड चाइम्स हो गई जी, पर्दे हो गए, भिन्न भिन्न प्रकार के पर्दे हो गए, और उसमें बहुत सारे आपकी इस तरह की जो विषय वस्तुएं हैं, जैसे लाफिंग बुद्धा है वो भी आप लगा सकते हैं उसके अंदर। और पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाने के लिए लव बर्ड्स होती हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है अंकिता नोएडा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकिता इस कार्यक्रम में। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो बेडरूम है उसमें क्या क्या चीजें लगाएं, जैसे विंड चाइम और लाफिंग बुद्धा, और किस किस तरीके की और सजावट कर सकते हैं उसके लिए? देखिए, उसमें आप लव बर्ड्स है वो लगा सकते हैं, एक सारस पक्षी होता है क्रेन जो होते हैं उनका आप पेयर रख सकते हैं, वो लगा सकते हैं उसके अंदर। भगवान कृष्ण और राधा की नृत्य शैली में जो चित्र होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं जी जी। पर ध्यान रखें कभी भी वो चित्र नहीं लगाने चाहिए मृत व्यक्तियों के जी। दूसरे जल से संबंधित या जैसे डूबते हुए सूर्य हो गए, अस्त होते हुए सूर्य हो गए, या डूबते हुए जहाज हो गए, या ताजमहल हो गए, या भगवान शिव की जो नृत्य शैली में नटराज की मुद्रा है उसके चित्रों को कभी भी शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। मृत व्यक्तियों के चित्रों को, भले ही वो आपके संबंधी हो, उनके चित्रों को शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए जी। जी बिल्कुल पंडित जी। और इस वक्त हमारे साथ सविता नोएडा से एक दर्शक जुड़ गई है। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी।
सविता क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा मैंने अपने घर का अभी नया घर बनवाया है, तो मुझे ये जानना है कि मेरे बेड की डायरेक्शन क्या हो रूम में और उसका इंटीरियर में कैसा रखवाऊं। देखिए, बेड की जो डायरेक्शन है हमेशा नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट होनी चाहिए, यानी कि जो आपका सिर है सिरहाना है वो दक्षिण की ओर, पांव उत्तर की ओर, या आपका जो सिरहाना है पश्चिम की ओर, पांव आपके हमेशा पूर्व की ओर हो। यदि ये संभव नहीं है तो उसको साउथ वेस्ट भी आप सिरहाना कर सकते हैं, यानी कि पैर जो है आपके वो ईशान की ओर हो। तो पलंग की सबसे अच्छी स्थिति ये होती है, पैर कभी भी दक्षिण की ओर नहीं होने चाहिए, पश्चिम की ओर नहीं चाहिए और ना ही नैत्रत की ओर होने चाहिए। जी बिल्कुल, जो तमाम बातें पंडित जी ने बताई हैं, पंडित जी आपसे ये भी जानेंगे कि इनको किस दिशा में रखना चाहिए शयन कक्ष में, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आ गया हूँ कहाँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। देखिए अधूरी दास्तान रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा नवरात्र में कब और कैसे करें खरीदारी, कब खरीदें घर, किस दिन खरीदें गाड़ी, किस राशि के जातक की कब आएगी बारी, देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ नवरात्र स्पेशल माँ दिलाएंगी हर गाड़ी रोजाना शाम 6:30 बजे सर समाचार। हाय कितनी भी कोशिश कर लो पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ, आम पन्ना नींबू पानी जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@samachar.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डॉन्ट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी
मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पंडित जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे कि राधा कृष्ण की तस्वीर हम लगा सकते हैं बेडरूम